भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए तो जाने जाते ही हैं। साथ ही पंत की बैटिंग का हर कोई कायल है, लेकिन पंत की मस्ती के भी खूब चर्चे होते हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के कई अन्य खिलाड़ियों ने पंत की मस्ती को लेकर बातें भी की है। हाल ही में पंत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पंत ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मस्ती मस्ती में बड़ा खेल कर दिया और उसे पानी में फेंक दिया है। जी हां, पंत ने ये खेल अपनी दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ और तेज गेंदबाज खलील अहमद के साथ किया है। ये वीडियो अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दौरान का लग रहा है जो अब सामने आया है। खलील वर्ल्ड कप टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे। आपको बता दें कि वीडियो में पंत आगे आगे जा रहे हैं, एकदम से उनके पीछे खलील आते हैं और पंत को गले लगा लेते हैं। ये दोनों स्विमिंग पूल के पास से गुजर रहे होते हैं और खलील पुल के कोने पर होते हैं। पंत उनसे गले मिलते हैं और फिर कुछ कहते हैं। उसके बाद वह खलील को पुल में धक्का दे देते हैं। खलील पुल में गिर जाते हैं। वह हालांकि पूरी तरह से पुल में डूबते नहीं और कमर तक ही गीले होते हैं, लेकिन खलील पंत की ये हरकत को देखकर सब कोई हैरान हो जाता है। खलील कुछ देर पंत को हैरानी से देखते हैं, लेकिन पंत उनकी तरफ से मुंह फेर कर आगे बीच की तरफ चले जाते हैं। खलील वापस पुल से बाहर निकलते हैं और फिर पंत भी हंसते हुए उनके पास आने लगते हैं। बता दें कि पंत की मस्ती के कई किस्से उनके टीम के साथी सुनाते रहते हैं। मैदान पर भी पंत चुप नहीं रहते और लगातार विकेट के पीछे से बोलते रहते हैं। पंत ने इसी साल क्रिकेट के मैदान पर वापसी की है। बता दें कि उनका 30 दिसंबर 2022 को कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वे एक साल तक क्रिकेट से दूर थे, लेकिन पंत की वापसी दमदार रही। उन्होंने वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और टीम की खिताबी जीत में अहम योगदान दिया। उनकी विकेट कीपिंग भी शानदार रही। अहम मौकों पर पंत ने अच्छी कैच पकड़े हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का दुर्घटना से पहले तक टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल रहे थे। ऐसे में उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी रही। ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 33 टेस्ट, 30 वनडे और 66 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 43.67 की औसत से 2271 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में 34.6 की औसत से 865 रन और T20 में 22.43 की औसत से 987 रन बनाए हैं। बता दें कि वो पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।